क्या आपको मालूम है कि LG is a telecom service provider in South Korea? Welcome to the channel everyone. मेरा नाम है जितेन और आप देख रहे हैं घुमक्कड़ फैमिली। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप साउथ कोरिया में एक सिम कार्ड खरीद सकते हैं। इससे पहले कि हम किसी सिम कार्ड शॉप पे चलें और मैं आपको दिखाऊं कि यहां पे कौन से प्लान्स हैं और कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, पहले मैं आपको यहाँ की करेंसी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। साउथ कोरिया में चलता है साउथ कोरियन वॉन। इंडिया का एक रुपया साउथ कोरिया के 16 वॉन के बराबर होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम इंडिया से 100 रुपये लेके आएंगे तो यहाँ पे 1600 कोरियन वॉन बन जाएंगे तो हमें यहाँ पे सब कुछ बहुत सस्ता मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कुछ चीज़ों में महंगाई इंडिया से 4-5 गुना ज़्यादा है। ये जो आपको सामने बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है बुसान का बुलेट ट्रेन स्टेशन। और वहाँ पेड़ों के पीछे जो बड़ी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी, अगर उस बिल्डिंग में हम लोगों ने अपना एयरबीएनबी लिया है। मुझे एयरबीएनबी यूज़ करते हुए लगभग 9 साल हो चुके हैं, पर मैंने इतना महंगा अपार्टमेंट आज तक कभी रेंट नहीं किया था जितना महंगा मुझे यहाँ बुसान में मिला है। इस अपार्टमेंट की कॉस्ट मुझे पड़ी है 8,000 रुपये पर डे। 6 दिन के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और उसका मैंने पे किया 48,000। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एयरबीएनबी दैट वी आर स्टेइंग इन। और मज़े की बात यह है कि ये एयरबीएनबी ना तो कोई 2BHK अपार्टमेंट है ना ही कोई 1BHK अपार्टमेंट है, ये सिर्फ एक स्टूडियो अपार्टमेंट है जिसका मैंने 8,000 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पे करा है। तो इससे आपको पता चल सकता है कि यहाँ पर महंगाई कितनी ज़्यादा है। साउथ कोरिया में गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं, अपने इंडिया से यहाँ पे लगभग 50% प्राइस पे यहाँ पे गाड़ियाँ मिल जाती हैं। इस वजह से यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी और बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ सड़कों पे बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, इस वक्त बुसान में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो यहाँ पे ये कुछ स्प्रिंकलर्स लगा रखे हैं जिनसे पानी का स्प्रे निकल रहा है सामने, जो कि यहाँ पे जितने भी लोग घूम रहे हैं उनको थोड़ी सी ठंडक प्रोवाइड करता है। अब यहाँ से चलते हैं और रोड पार कर लेते हैं। यहाँ पे लोग ट्रैफिक नियमों का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। यहाँ पे जब तक पैदल पार करने वालों के लिए भी जब तक हरा सिग्नल नहीं होगा तब तक लोग सड़क पार नहीं करते हैं, और लोग ज़ीब्रा क्रॉसिंग को भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। ये आपको सामने दिखाई दे रही होंगी, ये साउथ कोरिया की बसेज हैं। यहाँ पर ये है यहाँ का एक सिम कार्ड का ब्रांड KT। साउथ कोरिया में 3 मोबाइल नेटवर्क्स काम करते हैं जिनमें से एक है KT, दूसरा है LG U+ और तीसरा है SK टेलीकॉम। मैंने जो सिम लिया है वो है KT। मैं इस सिम कार्ड को लगभग 10 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इस सिम कार्ड में कोई खास प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है अभी तक। मेरे को सिग्नल्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, मेरे को डेटा स्पीड बहुत अच्छी मिल रही है, सो आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस सिम कार्ड। अब चलते हैं एक बार स्टोर के अंदर और मैं आपको थोड़े से प्लान्स के बारे में बताता हूँ। तो इस तरह से दिखता है कुछ KT का स्टोर। यहाँ पे स्टोर में अगर आप आएँ तो ये कस्टमर सर्विस पे जो लोग बैठे हुए हैं दे आर देयर टू हेल्प यू आउट। यहाँ से आप एक सिम कार्ड खरीद सकते हैं। सिम कार्ड के प्लान्स मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे प्लान्स मिलते हैं। जो प्लान मुझे समझ में आ रहा है वो है, अगर आप यहाँ पे एक महीने के लिए आते हैं तो आपको जो प्लान यहाँ पे लेना चाहिए वो है 10 GB डेटा के साथ। अनलिमिटेड आपको 1 MBPS की स्पीड मिलेगी जब 10 GB डेटा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद यू कैन यूज़ इट अनलिमिटेड, बट स्पीड 1 MBPS रह जाएगी। और इसका जो प्राइस है ये 41,250। ये प्राइस मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। इसके बाद हम अभी LG स्टोर में भी जाएंगे, मैं आपको वहाँ पे भी प्राइस दिखाऊंगा। ये 41,250 है। आई डोंट नो यहाँ पे प्राइस क्यों थोड़ा सा ज़्यादा है। मेरे को ये प्राइस पड़ा था 39,600 का। तो अलग अलग स्टोर्स पे अलग अलग प्राइस हैं, इसका मुझे आइडिया नहीं है क्यों ऐसा है। दूसरा प्लान है 110 GB डेटा है। अनलिमिटेड यूज़ करने के बाद डेटा स्पीड 5 MBPS रह जाएगी बट अनलिमिटेड डेटा हो जाएगा, और उसका प्राइस है 51,750 कोरियन वॉन। तो ये है 41,250 कोरियन वॉन और ये है 51,750 कोरियन वॉन। तो लगभग इंडियन प्राइस में अगर मैं बात करूँ तो ये 2600 रुपये में आपको यहाँ पर एक महीने के लिए सिम कार्ड मिल सकता है। और इस प्लान के साथ जो सिम आपको मिलेगा वो फ्री रहेगा और आपको एक मोबाइल नंबर भी मिलेगा। बाकी ये जो दो नीचे वाले प्लान्स हैं ये थोड़े एक्सपेंसिव प्लान्स हैं, तो मैं ये प्लान्स तो किसी भी इंडियंस को रिकमेंड नहीं करूँगा अगर वो यहाँ पर टूरिस्ट की तरह यहाँ पर आ रहे हैं, तो दीज 2 प्लान्स आर ऑफ नो यूज़। तो ये तो मैंने आपको दिखाए प्लान्स KT के, अब चलते हैं LG U+ और मैं आपको एक बार वहाँ पे भी प्लान्स दिखाता हूँ। हालांकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जो प्लान मैंने KT का लिया है उसका प्राइस मुझे पड़ा था 39,600 कोरियन वॉन, और इन्होंने जो यहाँ पे मुझे प्लान दिखाया है वो है 41,000 कोरियन वॉन। प्लान थोड़ा सा अलग है और जो प्लान मैंने लिया है वो प्लान इनके पास नहीं था यहाँ पर। आई डोंट नो क्यों ये डिविएशन है, टेलीकॉम के तो प्लान सब जगह पर स्टैंडर्ड होते हैं बट यहाँ पर प्लान थोड़े से अलग हैं। अब चलते हैं LG U+ स्टोर पर। ओके, तो मैंने अभी LG के स्टोर में चेक करा है तो वहाँ पे मुझे एक सरप्राइजिंग बात ये पता चली है कि अगर आप कोरियन नहीं हैं या आपके पास एक कोरियन ID नहीं है तो आप LG U+ का सिम कार्ड नहीं ले सकते हैं। तो देन LG U+ इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर अस। तो अगर आप कोरिया में आ रहे हैं तो फिर आपके पास दो ही ऑप्शंस रह जाते हैं, एक है KT और दूसरा है SK टेलीकॉम। SK टेलीकॉम का कोई भी स्टोर मुझे आसपास दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोरिया आ रहे हैं तो KT का सिम कार्ड ले लें। सियोल के इंचियोन एयरपोर्ट पर जब मैंने सिम कार्ड का प्राइस पता करा था तो वो लगभग 50,000 से 60,000 कोरियन वॉन के आसपास था,
तो मैंने वहाँ से तो सिम कार्ड नहीं लिया था। मैंने जब सिम कार्ड बाहर से लिया था तो उसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी 39,600 कोरियन वॉन, जो होता है लगभग 2400-2500 रुपए के आसपास। अगर आप किसी इनकन्वीनियंस में नहीं पड़ना चाहते हैं तो देन आई वुड एडवाइस यू टू बाय अ सिम कार्ड फ्रॉम इंचियन एयरपोर्ट ओनली, वहाँ जहाँ से आपको 50,000-60,000 कोरियन वॉन, जो कि होता है 3,000-3,500 इंडियन रुपीज़ में, आपको सिम कार्ड मिल सकता है। सिम कार्ड चाहे आप एयरपोर्ट से लें या बाहर किसी स्टोर से लें, दोनों ही जगह पे आपसे आपका पासपोर्ट ज़रूर मांगा जाएगा। एक और टिप उन लोगों के लिए जो जियो का सिम कार्ड यूज़ करते हैं और साउथ कोरिया में एंटर करते हैं, तो आजकल क्या है कि हम लोग इंडिया में जब जियो का रिचार्ज कराते हैं तो ज़्यादातर हम लोग अनलिमिटेड वाला रिचार्ज कराते हैं, जिसमें हमें कुछ बैलेंस नहीं मिलता है, तो उसमें बैलेंस ज़ीरो होता है और इनकमिंग हमारी चलती रहती है, आउटगोइंग भी चलती रहती है और डेटा भी अनलिमिटेड रहता है। बट इस बार मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई, हम लोग 3-4 महीने से ट्रैवल कर रहे हैं पर मैंने ये प्रॉब्लम और किसी देश में फेस नहीं करी। बट द मोमेंट आई लैंडेड इन साउथ कोरिया, मेरे को यहाँ पे जियो के कोई सिग्नल्स नहीं मिले थे, तो मैं काफ़ी दिनों तक ट्राई करता रहा कि शायद सिम में कोई प्रॉब्लम हो गई है। मैंने सिम को कई बार अपने फ़ोन से निकाला, वापस उसको एंटर करा, पर फिर भी मेरा सिम नहीं चला। उसके बाद मैंने एक बार कस्टमर सर्विस से भी बात करने की कोशिश करी, उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने मोबाइल नेटवर्क को ऑटोमेटिक की जगह मैनुअली सेलेक्ट करें तो आपका नेटवर्क चलने लगेगा। मैंने वो ट्राई भी किया, एक बार मेरा नेटवर्क चलने भी लगा था बट 5 मिनट बाद वो नेटवर्क फिर से बंद हो गया। उसके बाद जब मैंने कस्टमर सर्विस से दोबारा बात करी और मैंने उन्हें बोला कि मेरा सिम कार्ड यहाँ पर नहीं चल रहा है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको अपने फ़ोन में एक 20-25 रुपए का एक रिचार्ज छोटा सा कराना पड़ेगा, थोड़ा सा आपके फ़ोन में बैलेंस होना चाहिए तभी आपका सिम कोरिया में काम करेगा। तो फिर मैंने वही किया, मैंने एक 20 रुपए का रिचार्ज किया जिससे मुझे कुछ 12-13 रुपए का बैलेंस मिल गया था अपने फ़ोन में, और वो रिचार्ज होते ही मेरा सिम काम करने लग गया था। अगर आप इंडिया से बाहर अपना सिम यूज़ कर रहे हैं और अगर आपके सिम में कोई बैलेंस नहीं है, सो दिस इज़ एन एडवाइस टू ऑल दोज हु आर गोइंग टू यूज़ देयर जियो सिम आउटसाइड द कंट्री। अगर आपके सिम कार्ड में कोई बैलेंस नहीं है तो थोड़ा सा बैलेंस ज़रूर डलवा के लाएं ताकि आपका सिम कार्ड एक्टिव रहे। तो ये था तरीका साउथ कोरिया में एक सिम कार्ड लेने का। आई होप इस वीडियो से उन लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगी जो साउथ कोरिया घूमने के लिए आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप ट्रैवलिंग।